Good morning, students. Today we will start chapter 13. The name of the chapter is Exponents and Powers. And this is an introductional video of this chapter. So, आज के इस वीडियो में हम chapter 13 discuss करेंगे. Chapter 13 का name क्या है हमारा? Exponents and Powers. तो हम देखेंगे कि exponents and powers क्या होती हैं, इन express कैसे करते हैं और इनसे related कुछ laws भी हम इसी वीडियो में discuss करेंगे. तो इस वीडियो को start करते हैं. सबसे पहले topic जो हम ले रहे हैं वो है exponents. एक्सपोनेंट्स क्या होता है इस टॉपिक में हम समझेंगे. देखिए कई बार हमारे पास कुछ लार्ज नंबर्स होते हैं जिनको हम इजीली रीड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एंड इवन कंपेयर भी नहीं कर सकते. तो उस केस में हम उन नंबर्स को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे लिए वो ईजी हो जाए उनको समझना, उनको रीड करना और उनको कंपेयर करना. तो उस समय हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं. हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके लार्ज नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So we can write a large numbers in a short form using exponents. अब exponents की form में उनको कैसे convert करेंगे? यहाँ पर हमने एक example लिया है 10,000. अगर 10,000 को हमें short form में convert करना है by using exponents, तो 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 into 10 into 10 into 10. तो यहाँ पर 10 कितने times आया है? 4 times. 1, 2, 3, 4. तो हम क्या लिख देंगे? 10 की power 4. तो ये हमारे पास कौन सी form आ चुकी है? Exponents form आ चुकी. सो हम लार्ज नंबर्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म में बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स. और एग्जांपल्स देखते हैं इसके. जैसे हमने देखा कि 10,000 को हम एक्सपोनेंट का यूज करते हुए कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 4. उसी तरह से 1,000 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1,000 को हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 ये लिखेंगे हम. तो 10 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स. हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3. उसी तरह से 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 होता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2. सो वी कैन राइट द एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म. अब हमने देखा कि हम 10,000 को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स. जो हमने एक्सप्रेस कर दिया उसको 10 की पावर 4. तो यहाँ पर 10 क्या है हमारा? 10 हमारा कहलाएगा बेस. क्या कहलाएगा? 10 हमारे यहाँ पर बेस कहलाएगा. और इसके ऊपर जो ये 4 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर जो 4 लिखा हुआ है, क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है. जब हमें 10 के पावर जो ऊपर 4 लगी हुई है, 10 जो बेस है और जो एक्सपोनेंट है 4, इसको अगर हमको कोई रीड आउट करने के लिए कहेगा तो हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे? 10 रेज टू दी पावर 4. क्या बोलेंगे इसको? 10 रेज टू दी पावर 4. तो ये कहलाएगा 10 रेज टू दी पावर 4. यहाँ पर 10 की पावर 4 जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. किसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? 10,000 की. उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमने लिखा 10 की पावर 6, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रीड आउट करेंगे? 10 रेज्ड टू द पावर 6. इसको हम क्या बोलेंगे? 10 रेज्ड टू द पावर 6. अगर कोई हमको बोलता है 10 की पावर 12 को हम किस तरह से रीड करेंगे? 10 रेज्ड टू द पावर 12. 10 रेज्ड टू द पावर 12. तो हम इसको रीड आउट करेंगे 10 रेज्ड टू द पावर 12. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. जब नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखते हैं तो फिर वो नंबर्स कुछ लॉज को फॉलो करते हैं. वही लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. देखिए फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हमारे बेस सेम हो. देखो हमने देखा था ना कि हमने अभी सीखा कि 10 की पावर अगर 4 है तो यहाँ पर 10 क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा. और ये 4 हम क्या हमारी क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट कहलाएगी. क्या कहलाएगा? ये एक्सपोनेंट कहलाएगा. और इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे? 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है. तो उसी तरह से अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पर ये हमारे नीचे क्या कहलाएंगे? ए और ए हमारे बेस कहलाएंगे. जब बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती है, इनके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर एम है, इसके ऊपर पावर एन है, और पावर डिफरेंट होती है और वो मल्टीप्लाई का केस होता है, तो उस केस में बेस को हम एक बार लिखते हैं और दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, एम प्लस एन. तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है कि जब बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई में होती है, तो उस केस में हम बेस को एक बार लिख के दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं. दैट इज एम प्लस एन. कब होनी चाहिए? मल्टीप्लाई में होनी चाहिए. सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब बेस सेम होंगे और पावर अगेन डिफरेंट होगी. देखो इस बार भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है,
पर केस किसका है? डिवाइड का। ये किस में होना चाहिए? डिवाइड में होना चाहिए। तो इस केस में हम बेस को एक बार लिख के जो पावर्स होती है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज एम माइनस एन। ये किस में करेंगे हम? जब ये हमारे डिवाइड में होगा, बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगी, और डिवाइड में होंगी तो उस केस में दोनों पावर्स जो होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ है। थर्ड क्या है कि बेस हमारा एक ही दे रखा है और उस बेस के ऊपर दो पावर्स होंगी एम और एन। अगर एक ही बेस पर डबल पावर्स होती हैं तो उस केस में क्या होता है, वो दोनों ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। फोर्थ लॉ क्या है? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। इस बार क्या होगा कि हमारे बेस ही डिफरेंट हो जाएंगे। बेस ए और बी अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो जब बेस डिफरेंट हो जाते हैं और पावर सेम रहती है तो उस केस में हम सबसे पहले बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उन पर जो पावर होती है वो कॉमन ही आती है, क्योंकि ए के ऊपर भी पावर क्या है एम है, बी के ऊपर भी पावर क्या है एम है। तो उस केस में हम ए और बी को मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर एक कॉमन पावर लगाएंगे, दैट इज एम। नेक्स्ट फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है कि अगर ए की पावर एम है डिवाइड बी की पावर एम है तो उस केस में क्या होगा? देखो बेस फिर डिफरेंट है और इस बार पावर क्या है सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले ए डिवाइडेड बी कर देंगे और उनके ऊपर कॉमन पावर लगा देंगे एम। उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ लॉ क्या कहता है। जब ए की पावर जीरो हो, जब ए की पावर जीरो मतलब किसी बेस की पावर जीरो हो, तो सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन आता है, दैट इज वन। किसी भी नंबर की पावर अगर आपको क्वेश्चन में जीरो दे रखी हो तो आप क्या लिखेंगे, उसका आंसर वन। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या है कि माइनस वन के ऊपर अगर कोई इवन पावर हो, अगर माइनस वन दे रखा है उसके ऊपर कोई इवन पावर होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, वन। इसका आंसर क्या आएगा, वन। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव का आएगा। नेक्स्ट है कि अगर माइनस वन के ऊपर कोई पावर चल रही हो ऑड नंबर, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट। कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो हमारे पास अगर लार्ज नंबर्स आते हैं तो हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में? देखो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लिया है हमने 35000, मतलब 35000। इसको अगर मुझे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में। हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे? नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट कौन सी हैं, जो जीरो नहीं है, 3 और 5। तो 3 और 5 के पास के बीच में हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। अभी हमने सोचा कि डेसिमल यहाँ पर था, तो हमने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आ चुका है, पहले डेसिमल यहाँ था, अब डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर बच जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम काउंट करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 4। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3.5 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4। देखो कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या लिख देंगे, 3.5 × 10 की पावर 4। ये क्या कहलाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। हमने दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। देखो इस बार हमने नंबर क्या लिया है, 5985.3। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर इस बार डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो इस साइड हम शिफ्ट करेंगे, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, 5.9853। हमने इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, 5 और 9 के बीच में शिफ्ट कर दिया। तो डेसिमल पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, इसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इसके बीच में कितने नंबर्स आए, 1, 2, 3। कितने आए, 1, 2, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 5.9853 × 10 की पावर 3। कितने आ गई, 10 की पावर 3 आ गई, क्योंकि पहले डेसिमल यहाँ था, इस बार हमने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद उस कितने नंबर्स बीच में बचे, 1, 2, 3। तो 10 की पावर क्या लिखेंगे हम, 3। देखो जब हम मूव कर रहे होते हैं कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ, तो हम पावर लेते हैं पॉजिटिव में, तो हम 10 की पावर किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। और जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हम पावर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लार्ज नंबर लिया है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डेसिमल अभी यहाँ पर है, इसको हम शिफ्ट करेंगे टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो यहाँ पर इस बार यहाँ डेसिमल यहाँ पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो डेसिमल के बाद पहले डेसिमल कहाँ पर था, यहाँ पर था, अब डेसिमल यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बीच में जितने भी हमारे पास डिजिट आए उनको हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने आए हैं, 9 आए हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.353 × 10 की पावर 9 क्या हो गया,
1.353 × 10⁻¹⁹ इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एक्सपांडेड फॉर्म। देखो एक्सपांडेड फॉर्म हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 279404, इसकी हमें क्या लिखनी है, एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 2 की, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो पीछे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं, 5 है। और आप ये भी देख सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ले, यहाँ पर क्या आ रहा है ले, तो इसको किससे इंटू कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से, ठीक है, क्योंकि ये इसके पीछे कितने डिजिट है, 5 है, तो 50 लगा देंगे, प्लस 7 के लिए चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी तरह से प्लस 9 के लिए चेक करेंगे तो 1, 2, 3, तो क्या आ गया, इसको इंटू कर देंगे 100 से, प्लस 4 के लिए लिखेंगे तो 1, 2, तो इंटू 10, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटू 10 प्लस 4 के लिए, 0 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 9 के लिए देखो 1, 10, 100, यहाँ पर क्या आ गया, 1, 10, 100, 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, यहाँ पर लिखेंगे 100, 0 को करेंगे किससे हम 10 से इंटू, प्लस 4 को किससे इंटू करेंगे, 1 से, 4, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, तो 2 × 1 lakh, 7 × 10,000, 9 × 1000, 4 × 100, 0 × 10 एंड 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 2 × 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या लिख देंगे 10⁵, प्लस 7 × 1, 2, 3, 4, तो 10⁴, प्लस 9 × 1, 2, 3, तो 10�³, प्लस 4 × 1, 2, 10⁻², प्लus 0 × 10⁻³ क्या आ जाएगी हमारे पास, 1, प्लस 4 × 1 को हम क्या लिखेंगे, इसको समझना है, 1 को हम लिखेंगे 10⁻₀, क्या लिखेंगे 10⁻₀, हमने देखा था कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10⁻₀। तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 से डिस्कस करेंगे।